ये पूरा एक कर्व सी है, इस कर्व सी को जो है अलग अलग उसमें ब्रेक कर दिया है, यानी जेड नॉट से जेड वन में जाई वन हो गया है, जेड वन से जेड टू में कर्व जाई टू हो गया है, और जेड टू से जेड थ्री में कर्व जो है जाई थ्री हो गया है। इस तरीके से अलग अलग पार्टीशन हो गए हैं। तो वही है कि लेट एफ जेड बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ईच पॉइंट ऑफ अ कर्व सी। तो लेट अस कंसीडर द सम, इनको जब हम सम करेंगे, एफ ऑफ जेड वन जेड वन माइनस जेड नॉट प्लस एफ ऑफ जेड टू जेड टू माइनस जेड वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस एफ ऑफ जेड एन जेड एन माइनस जेड एन माइनस वन। तो इसको जब मिलाएंगे तो हो जाएगा समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ जाई के और जेड के माइनस वन, यानी समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ जाई के इज इक्वल टू डेल्टा जेड के। तो वेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड समेशन के रनिंग फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ जाई के डेल्टा जेड के टेंड्स टू ए डेफिनेट लिमिट, देन दिस सम इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग द कर्व सी एंड इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। इसको इस जो इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है विद रेस्पेक्ट टू जेड, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड क्या होता है, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। अब इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टी है जैसे लोअर क्लास में थी। तो इसमें प्रॉपर्टी अगर ए टू बी एफ जेड डी जेड है तो माइनस बी टू ए एफ जेड डी जेड हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी इफ सी इज ए पॉइंट ऑफ द कर्व जॉइनिंग ए एंड बी देन क्लोज इंटीग्रल ए टू बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू द ए टू सी एफ जेड डी जेड प्लस सी टू बी एफ जेड डी जेड। अब किसी पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई अलोंग वाई इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर हैविंग 0,0 3,9 एज इन पॉइंट्स। इन्होंने कहा है कि ये जो लाइन इंटीग्रल है इसकी वैल्यू निकालिए और ये किस कर्व पे है, वाई से एक्स स्क्वायर है जिसके पॉइंट्स भी गिवन है 0,0 3,9। तो y इज इक्वल एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy भी dy इज इक्वल टू दी 2xdx। हम यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसको हम सबको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिमिट जो है x की लगेंगी, तो इंटीग्रल 0 से 3 और ये हो गया x प्लस y बाई के प्लस पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और वाई के प्लेस पे एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 और डी वाई के प्लेस पे हो जाएगा 2xdx। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हम वाई को एक्स में चेंज कर देंगे, जब वाई को एक्स स्क्वायर में लिखेंगे तो डी वाई हो जाएगा 2xdx। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। सर ऊपर क्या किया गया? सर ऊपर बता दीजिए शुरुआत में। ऊपर ये जो लाइन इंटीग्रल है नहीं ये सर, लाइन सर जहां से इंटीग्रल शुरू शुरू किया था बताना, लाइन इंटीग्रल सेवा। जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा था, इंटरमीडिएट में इंटीग्रल एफ एक्स हाँ डी एक्स सर, पढ़ा था आपने, कोई भी यस सर, फंक्शन होगा। यस सर, उसका इंटीग्रल। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे जेड जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो वहां पे इसको पढ़ा जाएगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, और जो सी है वो इन पॉइंट्स लगते हैं। जैसे आपने इंटरमीडिएट में डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ा था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू निकलती है, वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये एक तरीके का जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का, इसी को हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं।
जैसे इंटरमीडिएट में डिफरेंट इंटीग्रल में कोई भी कर्व की वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन होती थी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है यानी वेरिएबल वही है, इसमें भी वही काम करना है। ये चीज हमने एक क्वेश्चन में बताया भी है जो नीचे लिखा है, जो नीचे क्वेश्चन लिखा है वो इसी का है। यानी ये जो पार्ट है ये इसी को कहते हैं इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, ये डिफिनेशन को डिफाइन किया गया है। यस सर, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सुभान। यस सर। सुभान बेटा, यस सर, इस वक्त रिकॉर्डिंग मत करिए इसकी, क्योंकि हम उस पे है।